अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए डिफरेंट टाइप के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत मज़ेदार और इजी वे में। इसमें वेज भी हैं और नॉन वेज भी है, चाइनीज़ भी पकौड़े हैं, और हम इसके 3 बैटर्स तैयार करेंगे और उनसे फिर हम ये डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे टाइप हैं उसके पकौड़े तैयार करेंगे। तो चलते हैं, मैं पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो हम मुख्तलिफ पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एक क्विक राउंड बता देती हूँ। हम सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो कहलाता है, वो यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली पकौड़े हैं तो हम बेसन इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा मैदा भी कुछ पकौड़ों में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, साबुत धनिया है जिसे हम कूट के इस्तेमाल करेंगे, अजीनोमोटो है, चावल का आटा है, इसके अलावा कसूरी मेथी जो सूखी मेथी होती है, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा। ये सब मसालों के साथ हम पकोड़े बनाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों के। तो हम चलते हैं अब अपनी प्रिपरेशन की तरफ। जी नाज़रीन, हम सबसे पहले इस वक्त आलू के पकोड़े बना रहे हैं, और आलू के पकोड़ों के लिए हम मैदा लेंगे सबसे पहले, बेसन लेंगे। मैं थोड़े थोड़े बना रही हूँ तो इसलिए क्वांटिटी कम ले रही हूँ, आप जितना इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप लिया है और हाफ़ कप ही मैं मैदा ले रही हूँ। आपका ज़्यादा बनाना है आप ज़्यादा बना लीजिए। ये देखिए, ये आलू और मैदे का मिक्सर है। जी नाज़रीन, हम जो आलू के पकोड़े बना रहे हैं उसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसमें मैदा और बेसन डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है, इसके अलावा नमक 1 टीस्पून है कसूरी मेथी जी, और इसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून के करीब भी ये हरा धनिया है, थोड़ा सा ही डलेगा वो डलेगा, और हरी मिर्चें भी हम इसमें डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, बहुत थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हम सिर्फ एक कप का बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब हम इसको पहले इस तरह करके, आप चाहें तो इसे छान लें, नहीं तो इसको इस तरह करके मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करें। इससे हम पकोड़े जो होते हैं स्लाइस वाले पकोड़े आलू के, वो बनाएंगे। हम आलू के 2 तरह के पकोड़े बनाएंगे, एक स्लाइस वाले और एक जो हैं हम इसके जो बॉईल करके बनता है। ये देखिए, थोड़ा सा पतला किया जाएगा इतना कि आलूओं को कोट कर सके, स्मूथ पीटर। ये देखिए, अब ये आराम से, और अगर ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का होना चाहिए, लेकिन अगर आपका बैटर ना चुपके आलूओं के साथ, क्योंकि बाज़ दफ़ा बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, तो फिर आप एक काम कीजिएगा कि उसमें आप जो है थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसको फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, अब जो हम बैटर बना रहे हैं बेसन का, उससे हम कई तरह के पकोड़े बनाएंगे, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। बैगन है, बैगन के मैंने स्लाइस करके रखे हुए, ये स्लाइस वाले पकोड़े बनेंगे बैगन के। बैगन के हम मिक्स वेजिटेबल में भी बनाएंगे। इसके अलावा हम ये आप देख सकते हैं फूल गोभी है, जिसे मैंने एक ब्लांच किया है, सिर्फ खोलते हुए गर्म पानी में डाल के और चूल्हा बंद कर दिया और पानी ड्रेन कर दिया, सिर्फ हल्का सा। इसके अलावा हम पालक के पकोड़े बनाएंगे, पूरा देखें आप, पूरा पत्ते का बनेगा। इसके साथ ही शिमला मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काट के रखी है, इसके पकोड़े बनाएंगे, ओनियन रिंग्स के पकोड़े बनाएंगे, और ये आप ये देख सकते हैं मिर्चें हैं, और मिर्चों को मैंने इस तरह एक लंबा कट मारा हुआ, ये बहुत
स्पाइसी मिर्चें नहीं होती सर, इसलिए मैंने और आप देख सकते हैं इसमें बीज भी मौजूद है, मैंने बीज नहीं निकाले। अगर आपकी मिर्चें स्पाइसी हों तो आप उसके बीज निकाल दीजिएगा। और इसके अलावा ये आलू हैं बॉयल्ड, इसके भी हम पकोड़े बनाएंगे। और इसको हम दो तरह से इस्तेमाल करेंगे, एक हम इसके पकोड़े बनाएंगे और दूसरे हम इसको हरी मिर्च में स्टफ़ करेंगे। ये दो तरह से यूज़ होगा, तो मैं आपको एक कंबाइंड चीज़ बता रही हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो है बेसन ले रहे हैं, पहले हम बैटर घोल के रख देंगे और इतने में फिर मैं आपको आलूओं का जो मिक्सचर है वो करना बताऊंगी। ये देखिए, ये हम एक कप जो है हमने ये देखिए ये एक कप हमने, आपके यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो आप बिल्कुल ज़्यादा का कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट का हिसाब बता रही हूँ कि एक कप का हम मेजरमेंट क्या लेंगे। तो सबसे पहले हम नमक ले रहे हैं 1 टीस्पून लेवल्ड, आप इसको ज़्यादा मत कीजिएगा, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि हम इसमें चाट मसाला इस्तेमाल करते हैं, ये चाट मसाला, और चाट मसाले में और चाट मसाला जो है लेवल्ड ना लें, उसे ऊपर तक ले लें, और उसमें जो है नमक होता है, लाल मिर्च हम लेवल्ड ले रहे हैं, अजवाइन, अजवाइन को हम इस तरह डायरेक्ट नहीं डालेंगे बल्कि हाथ में लेकर और फिर हम इसको हाथ से मसल रहे हैं, और फिर हमने इसमें शामिल किया ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया जिसे मैंने कूट लिया है और ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें ये जो छोटा बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जो आप चाहें कहें, ये सिर्फ 1/8 स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये देखिए ये 1/8 स्पून दिया सिर्फ, और हम अब इसे मिक्स करते हैं। जी हाँ जी, अब हम इसे मिक्स करते हैं, वही जो एक दफ़ा आप किसी फोक से या आपके पास अगर इस तरह का विस्क है तो उससे आप इसको मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें। जी नाजीन, सर हमने बैटर मिक्स कर लिया, अब हम इसे एक तरफ साइड में रखते हैं और फिर मैं आपको आलू का जो मिक्सचर बता रही थी उसको मिक्स करना बताती हूँ। जी नाजीन, हम आलू का मिक्सचर ले रहे हैं, उसमें हमने ये तकरीबन 250 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, इसमें मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की है, ये बहुत बड़ी नहीं ली, वो हमने इसमें शामिल की, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हमने हरा धनिया शामिल किया, 1 टीस्पून जो है बल्कि मैं लाल मिर्च सॉरी हरी मिर्च बाद में ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि इसको पहले हम हरी मिर्च में स्टफ़ करेंगे और फिर बाकी जो बैटर बचेगा उससे हम पकोड़े बनाएंगे। तो तकरीबन लाल मिर्च हमने लेवल ली है, चाट मसाला मैं चाट मसाला डालती हूँ ज़्यादा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसके अलावा ज़ीरा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे, हाथ साफ़ हो तो कोशिश करें हाथ से कर लें, और इसको मिक्स करके फिर हम हरी मिर्च में स्टफ़ करेंगे। ये देखिए नाजिन, मैंने बैटर मिक्स कर लिया, इसमें नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा डाला है और हरा धनिया और डाला है, हरी मिर्च अभी मैंने नहीं डाली शामिल किए। इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखिए ये हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, अब मैं इसको इस तरह इसमें स्टफ़ कर लूँगी, अच्छी तरह इसको स्टफ़ करके और फिर दोबारा इसको इस तरह दबा के दोबारा हरी मिर्च को दबा लें, तो देखेंगे इसी तरह हम सब हरी मिर्चों में स्टफ़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि साबुत पकोड़े हम दिन के बनाएंगे, इसके अलावा मिक्स पकोड़ों जो बनेगा उसमें कौन सी सब्ज़ी इस्तेमाल होगी, उसमें बैंगन इस्तेमाल होगा जो हमने इस तरह लंबे लंबे काटे हुए हैं, पालक इस्तेमाल होगा, इसके अलावा आलू इस्तेमाल करेंगे हम और प्याज हम इस्तेमाल करेंगे इसमें,
ये मिक्स वेजिटेबल्स के होंगे और फिर अलग-अलग भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं अब हम कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, तेल की ज़रूरत होगी जो ऑब्वियसली पकौड़े तलने के लिए हमें चाहिए है। मैंने इसे गर्म पे रख दिया था, अब मैं थोड़ा सा ये डाल के चेक कर रही हूँ। पहले मैंने डाला था, उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अब देखें ये डालते ही ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये अब तैयार हो गया तेल। अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आँच कर दूँगी, हमें बहुत तेज़ आँच की ज़रूरत नहीं है, मीडियम टू लो कर दी। अब मैं आपको फटाफट तरीके से ये बताती हूँ कि इसमें जो पकोड़े हम डाल रहे हैं, सबसे पहले हम इस तरह ओनियन रिंग डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस तरह हमने इसको कोट किया और इसमें शामिल कर दिया। ये हमने ओनियन रिंग्स डाले हैं। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च, ये देखिए, इस तरह इसको अच्छी तरह कोट करें, ये देखिए, और इस तरह उठा के और इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैं आपको ये फूलगोभी के बारे में दिखाती हूँ। और अब मैं आपको इसे शिमला मिर्च का दिखाती हूँ। ये देखिए, शिमला मिर्च को भी हम इस तरह कोट करेंगे। आप एक ही बैटर के साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स कर सकते हैं। और आँच मीडियम टू लो ही रखिएगा, इसको बिल्कुल तेज मत कीजिएगा। जी नाज़रीन, अब वो चीज़ें सब तैयार हो गई। अब हम बैगन के पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए, बैगन हमने इस तरफ तक उनके ये ना। अच्छा, अब मैंने इसमें पानी इसीलिए थोड़ा शामिल किया था कि अब मैं इसमें से इसमें आलू के जो मैंने ये देखिए, ये आलू बॉईल करके जो हमने बैटर तैयार किया था, इसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। उस वक्त मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे इसको उसमें स्टफ़ करना था हरी मिर्च में। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा और। और ये देखिए, ऐसे आपने उठाया और इसको इसमें ऐसे किया। और अब मैं इसमें पालक के पकोड़े बनाऊँगी। ये देखिए, देखिए, ये पालक का एक पत्ता आप लेके धुलावा और एक और दो, अगर आप छोटे बड़े दो साइज़ के लिए लें तो ज़्यादा बेटर हो। इस तरह लेके पहले एक पत्ते को इस तरह डिप करके और इस पर चिपका लें। आपस में जब ये अटैच हो जाएंगे, थोड़ी सी डंडी रखें, ये देखिए, और फिर आँच मेरी मीडियम टू लो ही है। जी नाज़रीन, हम चाइनीज़ पकोड़ा बना रहे हैं और चाइनीज़ पकोड़ों को मैं चाइनीज़ वेजिटेबल्स जो स्पेशली उनकी होती हैं उसी के साथ बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने देखिए शिमला मिर्च बारीक बारीक काट ली है। इसके अलावा बंद गोभी है, गाजर है जो हमने लंबी लंबी काटी हुई है, बेसन की ज़रूरत है, सोडे की ज़रूरत है खाने के ज़रा, अजीनोमोटो, नमक, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, कुटी लाल मिर्च, और ये हम इसमें प्याज भी डालेंगे। ये ऑप्शनल होती है, किसी को पसंद होती है और किसी को नहीं होती, तो आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, बहुत अच्छा इसका मज़ा आता है। तो मैं फटाफट इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए, हाफ कप हमने बेसन लिया है,
एक टेबल स्पून भर के हम इसमें चावल का आटा शामिल कर रहे हैं, एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये बाइंडिंग के काम आएगा, वेजिटेबल्स को अच्छा सा बाइंड करेगा। इसके अलावा नमक, ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। कुटी लाल मिर्च भी हम 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून और इसमें बेकिंग सोडा बिल्कुल 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम इन वेजिटेबल्स बैटर को मिक्स करेंगे। ये लीजिए यासीन, ये चाइनीज़ पकोड़े की वेजिटेबल हमने मिक्स कर ली है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें चाइनीज़ पकोड़ों की वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, ये देखिए। इसमें आप मज़ीद वेजिटेबल का इजाफा कर सकते हैं, आप हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए ये जो बैटर है इसमें अब मैं मिक्स वेजिटेबल का बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें बैगन डाल रही हूँ, आलू शामिल करूँगी, मैं एक एक मुट्ठी तकरीबन सब वेजिटेबल्स ले रही हूँ, प्याज, और पालक, तमाम वेजिटेबल्स मैंने एक एक मुट्ठी ली हैं और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए अब मैं इन मिक्स वेजिटेबल्स को फ्राई करने जा रही हूँ पकोड़ा, ये देखिए इस तरह इसको बाइंड करें और इसमें डाल दें। अगर आप जिस पर डाल रहे हो उसमें और बेसन आपको कम लगे तो थोड़ा बैटर और शामिल कर लें। मैं तो आपको दिखाया था बैटर थोड़ा सा सैंपल के तौर पे, उसमें मैं इसमें मुख्तलिफ इसमें शामिल करती गई हूँ, इसको फ्राई करती हूँ। जी नाज़रीन, चिकन पकौड़ों के लिए हमें चाहिए चिकन, हमने 250 ग्राम ली है, 1 कप जो है बेसन है, यानी 1/8 टीस्पून हम सोडा लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का लेंगे और 1 टीस्पून हम मेथी लेंगे। तो हमने 1/2 कप जो है वो ले लिया है, इसको हम हाथ में लेके मेथी को, बेसन है 1/2 कप और इसमें हमने मसल लिया। थोड़ा थिक सा ही बनाएंगे क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि उसमें सिरका है जो इसको पतला कर देगा जब हम चिकन इसमें डालेंगे। तो जी नाज़रीन, ये देखिए चिकन पकोड़ा तैयार हो चुका है, इसको हम बिल्कुल लो आंच पे पकाते हैं क्योंकि इसको अगर हम तेज़ आंच पकाएंगे तो अंदर से चिकन नहीं पकेगी, कच्ची चिकन का बनाया जाए। ये लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार किस्म के पकोड़े तैयार हैं, 11 मुख्तलिफ तरीक़े के पकोड़े मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, जिसमें चिकन का पकोड़ा है, चाइनीज़ पकोड़ा है, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े हैं, इसके अलावा वहाँ उस प्लेट में ये तीनों हैं, यहाँ पर आलू की जो इस तरह की शक्ल में है, आलू जो इस तरह की शक्ल में है, पालक का पकोड़ा है, शिमला मिर्च का पकोड़ा है, हरी मिर्च का पकोड़ा है, बैगन का पकोड़ा है, ये प्याज की रिंग्स का पकोड़े हैं और ये गोभी के पकोड़े हैं। तो टोटल 11 आपको पकोड़े मैंने इस वक्त बनाना सिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि एक वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ सिखा सकूँ और ईजी तरीके से। तो पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, प्लीज़ लाइक का बटन दबाया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट्स तो करते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पे कमेंट्स करते हैं, लेकिन लाइक का बटन आप लोग दबाना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको दोबारा ये बात कह रही हूँ।
कमेंट्स उस पे कीजिए, वीडियो पे कीजिए, पर्सनली आप लोग मुझे कॉल करके मेरे नंबर पे करते हैं, दैट्स आई अप्रिशिएट इट आल्सो, बट अगर आप मुझे उस पे करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी. सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत इजी रेसिपीज़ मैं सिखाती हूँ. मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि बैचलर्स बच्चे या जो बच्ची या न्यूली मैरिड हैं वो ये बनाना सीख सकें. चटनियाँ हैं, आप ये देख सकते हैं, ये स्वीट चिल्ली की जो है, इसकी भी इंशाल्लाह मैं जल्द रेसिपी आपको इस अपने चैनल पर अपलोड करूँगी. ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके साथ इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े के लगेंगे. रमज़ान शरीफ में तो आपको पता है पकोड़े इस बेसिक थिंग. तो चलें, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.